नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं YouTube मोनेटाइजेशन के नए अपडेट के बारे में, जिसके कारण बहुत सारे YouTube क्रिएटर्स का Google AdSense आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हो रहा है। तो इस अपडेट को अच्छी तरह से समझने के लिए प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, मोस्टली जो YouTube क्रिएटर्स होते हैं वे अपना Google AdSense आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अपने पैन कार्ड के द्वारा करते हैं। तो YouTube मोनेटाइजेशन का नया अपडेट यह है, अब आप अपने पैन कार्ड के द्वारा Google AdSense आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हो, मतलब पैन कार्ड का ऑप्शन रिमूव्ड कर दिया गया है। तो अब आप अपने पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड के द्वारा ही Google AdSense आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हो। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो एड्रेस आपने अपने Google AdSense में लिखा है, वही एड्रेस आपके फोटो प्रूफ आईडी में भी होना चाहिए। मतलब आपके Google AdSense का एड्रेस और फोटो प्रूफ आईडी का एड्रेस दोनों सेम होना चाहिए, दोनों मैच होना चाहिए। Google AdSense आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में अब दो तरह का ऑप्शन शो होता है, एक एक्शन और रिटर्न टू द ओल्ड प्रोसेस वाला। एक एक्शन पर क्लिक करने पर जिसके नाम से AdSense बना हुआ है उसे कैमरा के सामने अपने फोटो प्रूफ आईडी के साथ बैठना होगा और इसके बाद आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तुरंत सक्सेसफुल हो जाएगा। और जब आप रिटर्न टू द ओल्ड प्रोसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, वही आपका पुराना वाला प्रोसेस रहता है और उसी के द्वारा आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हो। जिनका गूगल एडसेंस पहले से ही वेरीफाइड है उनके लिए फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बातें मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के वक्त भूल गया था तो मैंने बता दिया, ताकि आपको सारी बातें समझने में आसानी हो। पर्सनली मुझे यह अपडेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो आपको यह अपडेट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताएं। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक्स, पीस आउट।